पीएम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। तमिलनाडु सरकार को मदद के तौर पर दिए जाएंगे 1,000 करोड़ रुपए। बाढ़ का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी ने सीएम जलता से की मुलाकात, कहा मुश्किल घड़ी में तमिलनाडु के लिए कम नहीं होगी कोई मदद। चेन्नई शहर में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, पड़ोसी इलाकों में भी तेज बरसात से बिगड़े हालात। शहर में सेना और एनडीआरएफ ने तेज किया बचाव ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से लोगों तक पहुंचाई गई खाने पीने की जरूरी चीजें। बारिश के चलते चेन्नई में ट्रेन और हवाई ट्रैफिक फिलहाल शुरू नहीं होने के आसार, एयरपोर्ट पर फंसे 700 लोगों को निकालकर सुरक्षित भेजा गया। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट ने हैदराबाद से अरणाकुलम नेवल बेस के लिए भरी उड़ान, ताकि फंसे मुसाफिरों को हिफाजत से बचाया जा सके। एयरफोर्स के विमान से बचाकर लाए गए लोगों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा, C-17 विमान और उड़ेंगे उड़ान ताकि उन्हें हैदराबाद से दिल्ली लाया जा सके। लगातार बारिश ने बेजुबानों पर भी ढाया कहर, पानी में फंस गया हिरण। बाढ़ की वजह से मोबाइल सेवा पर भी असर, 40% मोबाइल टेलीफोन सेवा काम नहीं कर रही है। खतरा पड़ोसी राज्यों पर भी मंडरा रहा है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, केरल में 6 और 7 दिसंबर को बारिश का अलर्ट। सैफई में थाने में थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला आया सामने, खबर दिखाई जाने के बाद दरोगा समेत 2 सिपाही सस्पेंड। फरखाबाद के कमालगंज में 2 गुटों के बीच फायरिंग, 4 लोग घायल। फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज ने हाईवे पर की नारेबाजी, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की टिप्पणी से खफा। मिर्जापुर में 34 पेटी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार, तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए मध्यप्रदेश से तस्करी करके लाई जा रही थी शराब। बिजनौर में पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को बांटे जा रहे थे रसगुल्ले, प्रशासन ने प्रत्याशी के 4 समर्थकों को किया गिरफ्तार। मेरठ में शादी समारोह में एक युवती ने किया हंगामा, दूल्हे को बताया अपना पति, हंगामे के बीच दुल्हन के घर वालों ने टाली शादी। रामपुर में महिला पर जेठ की हत्या का आरोप, संपत्ति के लालच में सोते समय सिर पर किया वार। लखीमपुर खीरी में ट्रक ने 5 लोगों को मारी टक्कर, सभी की हालत गंभीर, हिरासत में आरोपी ड्राइवर। देवरिया में देसी बम धमाके में 3 बच्चे घायल, गौशाला के पास मिले बम को गेंद समझकर खेल रहे थे बच्चे। कानपुर में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में खुली भ्रष्टाचार की पोल, 6 महीने में ही धस गई स्लैब। इलाहाबाद में हत्या के बाद जमकर हंगामा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था पीड़ित। गाजीपुर के गहमर थाने के 12 गांव में सालों में अपने सगे जीजा को मारी गोली, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। मुजफ्फरनगर SSP दफ्तर में हंगामा, एक महिला की नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर आत्मदाह की कोशिश, समाचार हड़कंप। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में एक ट्रक से 900 पेटी शराब जब्त, मोदी नगर में भी पुलिस ने 400 पेटी शराब की बरामद। कानपुर में चमड़े की फैक्ट्री बुझाने में लगे 12 दमकल की गाड़ियां। औरैया में एक युवक की खुदकुशी की कोशिश नाकाम, ट्रेन की पटरी के नीचे लेटने के बावजूद नहीं आई खरोच, ट्रेन गुजरते ही भाग खड़ा हुआ युवक। मैनपुरी में बैंक से बैग चोरी कर भाग रहे चोर CCTV कैमरे में कैद, पुलिस जांच में जुटी। गोंडा में अध्यापकों ने SDM के खिलाफ FIR दर्ज करवाने को लेकर थाने में का किया घेराव, SDM पर झड़प करने का आरोप। बलिया में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने एक शख्स को जमकर पीटा। लखीमपुर खीरी ने बच्चों ने मनाया विश्व विकलांगता दिवस, एक्सेलरेटेड लर्निंग कैंप का बच्चों ने लिया हिस्सा। यूपी के 21 जिलों के दौरे के बाद केंद्रीय टीम ने बनाई सूखे की रिपोर्ट, राज्य सरकार ने 2035 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग। बस्ती के 9.5 लाख किसान अब भी मुआवजे की आस में, अब तक सिर्फ 95,000 किसानों को ही मिल पाया मुआवजा। पीएम नरेंद्र मोदी 12 दिसंबर को जाएंगे वाराणसी, तैयारी में जुटा प्रशासन, बुनकरों में उत्साह। गोरखपुर में सीएम अखिलेश यादव का ऐलान, गोरखपुर में एम्स खोलने की तैयारी, दी गई जमीन, कई योजनाओं का भी उद्घाटन। महोबा की जिला पुलिस की अनोखी पहल, गरीब तबके के मरीजों को कैंप में दी जा रही है फ्री दवा। हरियाणा में पलवल में पुलिस और जनता के बीच भिड़ंत में कई घायल, गौमांस की अफवाह के बाद तोड़फोड़ और आगजनी।
कोलकाता में 30,000 टैक्सी हड़ताल पर, कई मांगों को लेकर 2 दिन तक नहीं दौड़ेगी टैक्सी। ओडिशा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 6 माओवादी गिरफ्तार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आईएसआई एजेंट कैफेतुल्ला की पेशी, 10 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में। कर्नाटक के गुलबर्गा में किसानों का प्रदर्शन, लोन नहीं मिलने से नाराज थे किसान, बैंक कर्मियों पर निजी एजेंटों से मिली भगत का आरोप। शहडोल जिले में नशे में धुत नजर आए एसडीएम, पटवारियों के हड़ताल के समर्थन में जाकर राज्य सरकार को दी चुनौती। भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी पर मशाल जुलूस, मारे गए करीब 15,000 लोगों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। रतलाम में जावरा हुसैन टेकरी पर, चहलुम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, दहकते अंगारों पर चले श्रद्धालु, नारों के साथ खूनी मातम। होशंगाबाद में स्वच्छता अभियान पर सीसीटीवी कैमरे से नजर, सड़क पर कचरा फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना। प्रियंका रणवीर, दीपिका स्टार और फिल्म बाजीराव मस्तानी एक बार फिर विवादों में घिरी, फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर। अंबिकापुर के बलरामपुर और रामनगुंज में मशाल जलाकर रात बिताने को गांव वाले मजबूर, हाथियों के हमले से कांप डर। राजनंदगांव के डोंगरगढ़ में 10वीं क्लास के 2 छात्रों ने की खुदकुशी, जबरदस्ती स्कूल भेजने से थे परेशान। भिलाई इस्पात प्लांट के प्लॉट में मिले मिल विभाग में मधुमक्खी के चलते 5 कर्मचारी घायल, पीड़ितों को सीआईएसएफ से की थी शिकायत। महासमुंद में कर्ज वसूली के डर से किसान सहमे, धान बेचने के लिए ना तो समितियों में जा रहे हैं और ना ही मंडियों में। रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरी के 32 पदों के लिए 3,500 आवेदन आए, सिफारिशों की वजह से परेशान हुए अधिकारी। भरतपुर में जाट आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, जाट युवा सेना ने मिली मिनी सचिवालय के गेट पर की नारेबाजी। प्रतापगढ़ में जनजातीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा की अफसरों से बदजुबानी, अंबेडकर छात्रावास के निरीक्षण के दौरान गंदगी देख अफसरों को दी गाली, वार्डन को किया सस्पेंड। कोटा में कोचिंग कर रहे एक छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा पापा मम्मी मुझे माफ कर देना। अजमेर में JLN अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल का असर, प्रशासन ने अस्पताल के पास DJ बजाने पर लगाई रोक। धौलपुर शहर में जगन चौराहा के पास नाले का भरा पानी, कॉलोनियों तक पहुंचा गंदा पानी। बांसवाड़ा में 4 साल के बच्चे को गर्म लोहे के सरिये से दागा, अंधविश्वास के जरिए किया जा रहा था इलाज। बीकानेर में बड़ी तादाद में गिद्ध पक्षियों का आना शुरू, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप से आते हैं गिद्ध पक्षी। कोटा में छात्राओं का पीछा करने वाले 2 मनचले गिरफ्तार, कॉलेज प्रशासन की मदद से पकड़े गए मनचले। चुरू में बस कार में जबरदस्त भिड़ंत, 4 सरकारी शिक्षकों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर में अधिकारियों कर्मचारियों और पत्रकारों ने उठाई झाड़ू, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हुई गंदगी को खुद साफ करने को उठाया बीड़ा। गढ़वा के नगवा मोहल्ले में एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या, 5 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जमशेदपुर के मानगुप में 3 घरों को डकैतों ने बनाया निशाना, पुलिस जांच में जुटी। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की समाधि की पवित्र मिट्टी को रांची के गुमला में किया गया रवाना, अल्बर्ट एक्का के गांव में खुद मौजूद रहेंगे सीएम। धनबाद में अल्पसंख्यक बच्चे ले रहे हैं संस्कृत का ज्ञान, राजकीय संस्कृति विद्यालय में 15 मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ाई। गया रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने के मामले में प्रेमिका और उसके 2 प्रेमी गिरफ्तार, दूसरे प्रेमी को फंसाने के लिए पहले प्रेमी ने भेजा था धमकी भरा SMS। निर्भया गैंगरेप कांड का नाबालिग दोषी की जेल से रिहाई नहीं, सजा पूरी करने के बाद भी रहेगा कस्टडी में। दिल्ली में शादी का झांसा देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से रेप केस दर्ज, आरोपी फरार। दिल्ली में लग्जरी कार चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 चोर गिरफ्तार, 13 महंगी गाड़ियां बरामद। दिल्ली पुलिस ने 3 लुटेरों को पकड़ा, रात में अकेले लोगों को बनाते थे निशाना। विश्व विकलांगता दिवस पर हजारों की संख्या में अशक्त लोगों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, अपनी मांगों के लिए उठाई आवाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का प्रदर्शन, 31 साल बाद भी हालत बेहाल।
नंद नगरी इलाके में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत की गुत्थी सुलझाएगी सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया झटका। ग्रेटर कैलाश में एक कंपनी में काम करने वाली युवती से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। पीड़िता के मुताबिक आरोपी तेजाब डालने की दे रहा था धमकी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार और एजेंसियों से हाईकोर्ट नाराज, सरकार से मांगा एक्शन प्लान। दिल्ली की तमाम रेडियो टैक्सी कंपनियों को हाईकोर्ट का निर्देश, हलफनामे में सीएनजी और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का मांगा ब्यौरा। जन लोकपाल बिल को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली जन लोकपाल की शिकायत लेकर रालेगन पहुंचे प्रशांत भूषण। अन्ना ने कहा पुराने मतभेद छोड़कर कानून बनाए केजरीवाल। अन्ना की दोनों मांगों को केजरीवाल कैबिनेट की मंजूरी। लोकपाल नियुक्ति और हटाने पर अन्ना के सुझाव पर सरकार लाएगी संशोधन। विजेंद्र गुप्ता, विनोद बिन्नी सहित कई बीजेपी नेताओं ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। लोकपाल बिल लाने के तरीके पर एतराज। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने सचिवालय में रोका काम। 3 दिन से जारी है प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग। शीना मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की कोर्ट में पेशी। 17 दिसंबर तक बड़ी न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र सरकार ने लखन भैया हत्याकांड में दोषी पाए गए 11 पुलिस वालों की सजा को किया माफ। उम्र कैद की मिली सजा, पहले 6 महीने तक रखा जाएगा रिकॉर्ड। मशहूर फिल्म अभिनेता टॉम ऑल्टर से पुणे एयरपोर्ट पर हुई चूक, किसी और का बैग लेकर निकले, एक तरह का बैग होने से गलतफहमी। मुंबई में डॉक्टरों पर एक बुजुर्ग का गलत ऑपरेशन करने का आरोप, कैंसर नहीं होने के बावजूद किया ऑपरेशन, लिए 12 लाख रुपए। मुंबई रेलवे पुलिस ने एंटी सेल्फी और सेल्फी ड्राइव की शुरुआत की। सेल्फी लेने के चक्कर में एक छात्र की मौत के बाद शुरू हुई ड्राइव। भरूच के एक शख्स ने दक्षिण अफ्रीका में हत्या, लुटेरों ने गोली मारकर वारदात को दिया अंजाम। सूरत में एटीएम हैकर गिरफ्तार, लोगों ने बैंक अकाउंट से निकाल लिए पैसे। पोरबंदर में बीजेपी नेता पंकज मझेठिया का शैंपेन फोड़ने वाली तस्वीर आई सामने। वार्ड नंबर 6 में जीत के जश्न में भूले मर्यादा। गुजरात के नगर निगम चुनाव में बीजेपी का इकलौता उम्मीदवार सोफिया जाहिद ही जीत सके। बीजेपी ने 6 में से 4 नगर निगम में 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया था टिकट। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के दावे को किया खारिज, कहा मंदिर में किसी से नहीं पूछी जाती जात। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्कूल वैन और इनोवा कार में टक्कर, 7 बच्चों के साथ ड्राइवर जख्मी। अकोला में अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भंडाफोड़, चंद हजार रुपए कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने को लोग मजबूर। अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की तैयारियां तेज, 9 दिसंबर को होना है चुनाव। ऋषिकेश की चीला शक्ति नहर से मिले 2 दर्जन ज्यादा कारतूस, तमंचा और बाइक मिलने से लक्ष्मण झूला पुलिस में हड़कंप। IIT रुड़की में 2 छात्रों को गूगल ने दिया 1 करोड़ 30 लाख का ऑफर, दोनों छात्र जयपुर के रहने वाले। सोलर स्कैम के मुद्दे पर तिरुवनंतपुरम में विपक्षी अविरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री चांडली से जांच की मांग, 5.5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर.के. धोवन ने कहा 26/11 के बाद बड़ी चुनौतियां, नौसेना की क्षमता बढ़ाने पर जोर। T.S. ठाकुर बने सुप्रीम कोर्ट के नए प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, उनके योगदान को किया याद। पर जारी है आज तक की नॉनस्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले 1 हफ्ते तक BSNL अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग पर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गैजेट्स एंड गिज़्मोज़। माय नेम इज गौरव प्रेती एंड दे कॉल मी लुक्स मैटर दे से एंड देन यू रियलाइज दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। आई फेल फॉर दोज लुक्स।